हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू डिश कॉर्नर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी पहाड़ी चिकन रेसिपी, जिसे ग्रीन चिकन या हरियाली चिकन भी कहा जाता है। चले इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मैंने लिया है 800 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से धो लिया है। अब हम उस चिकन में कट्स लगाएंगे। कट्स हम करीब करीब लगाएंगे और चिकन के दोनों सरफेसेस पे लगाएंगे, ऊपर नीचे, ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर ले और टेस्ट अच्छा आए। इस तरह हम अपने चिकन के सारे पीसेस पर कट्स लगा लेंगे। उसके बाद हम एक ग्रीन पेस्ट बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे 6 लहसुन क्लोव्स, 2 इंच अदरक, 8 हरी मिर्चें, 1 बड़ा कप धनिया लीव्स, 1 आधा बड़ा कप पुदीना लीव्स, 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस। अब हम मिक्सर में इन सबको ऐड करेंगे। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, पुदीना लीव्स, धनिया लीव्स और लेमन जूस। अब इन सब का एक ग्रीन पेस्ट बना लेंगे। फिर लेंगे 1 बड़ा कप दही, 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 बड़े चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब हम बोल लेंगे, उसमें ऐड करेंगे दही, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, तेल और ग्रीन पेस्ट। अब इन सबको अच्छे से विस्क करेंगे और एक स्मूथ बैटर तैयार कर लेंगे। अब हमारा जो ये बैटर है, इसको हम चिकन पीसेस पर लगाएंगे। अच्छे से मसाज करेंगे चिकन पीसेस की इस बैटर के साथ, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले हमारा चिकन। और 3 से 4 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। तीन से चार घंटे के बाद हम इसको ग्रिल करेंगे। मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाला, अच्छे से गरम करा, फिर उसमें अपने चिकन पीसेस ट्रांसफ़र कर दिए। और जो हमारा लेफ्ट ओवर मसाला है, वो भी अब हम इन चिकन पीसेस पे लगा देंगे। अब हम इसको एकदम स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ढककर पकाना है हमें इसको 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। 2 मिनट बाद हम देखेंगे कि जो योगर्ट है और जो हमारा चिकन है, उसने पानी छोड़ दिया है, उसी में हमारा चिकन अच्छे से अब पकेगा। फिर उस 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि सारा पानी ख़त्म हो गया है और हम अपने चिकन को फ्लिप करेंगे अपसाइड डाउन, ताकि वो दूसरी तरफ से भी अच्छे से ग्रिल हो जाए। इसमें हम 1 टेबलस्पून पानी ऐड करेंगे, फिर से इसको ढककर पकाएंगे वेरी स्लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद हम देखेंगे जो पानी था चिकन का, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है और जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो ऊपर आ गया है, और जो चिकन है वो दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है। हमारा पहाड़ी चिकन रेडी है। हम इसे गर्म गर्म सर्व करेंगे किसी भी सॉस के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।